अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ये दो ऐसी टीम है, जब भी आपको हराएंगी इनका जश्न ऐसा होगा कि जैसे आप आपके दिल के ऊपर तीर चला दे। बिल्कुल, अफगान फैन जो है उन्होंने मुझे खेल लिया और मेरे ऊपर हूट किया, मुझे परेशान किया, बाहर गाड़ियों के अंदर उन्होंने इस तरह नारा लगाया, अल्लाह माफ कर, इतना तो इंडिया जीत के भी पाकिस्तान से नारे नहीं लगाता। इंडिया, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ने 10 साल एक क्रिकेट ट्राई सीरीज खेली है जिसमें चार रोजा क्रिकेट भी थी, जिसमें वनडे भी थी, जिसमें T20 भी थी। इंडिया ऐसे ही बी टीम नहीं बना लेता उठा के, मैं बी टीम बना लूंगा और वो जाके जिम्बाब्वे में या बांग्लादेश में जीत जाती है। मतलब ये मैच तो इधर खत्म हो जाते, सोशल मीडिया पे एक नई जंग चढ़ जाती है और हमको बहुत परेशानी उधर होती है। ग्राउंड में तो हम चले जाते, चलो जो भी है रोल धोल के चले जाते, लेकिन फिर सोशल मीडिया पे जो ताने, जो गालियां, जो हमने सुननी पड़ती है, इसीलिए मैनेजमेंट को जिसने भी किया है अल्लाह उससे पूछे। एक रमजान है, ऊपर से बहुत मुश्किल है, उधर अफ्तारी का टाइम होता है, इधर से ग्राउंड में पहुंचो, इतना टाइम दे दो, सबको डिस्टर्ब किया है तीन मैचों ने। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुपर पावर इंडिया न्यूज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पाकिस्तान मीडिया की लेटेस्ट डिबेट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये तो उल्टा हो गया, जो जो PSL में परफॉर्म कर रहे थे वो वहाँ जाके बिल्कुल ही ख़राब खेलने लगे, और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ना सिर्फ जो पिछली बार हम बात कर रहे थे कि अफगानिस्तान ने हमको T20 इंटरनेशनल में हराया, अब तो सीरीज भी अपने नाम कर ली। क्या कहेंगे? अगर मैं बात करूँ मॉडर्न डे क्रिकेट की, तो जब इंडिया अपनी बी टीम बना के लेके जाता है तो उसमें कितने सीनियर्स होते हैं, ऑस्ट्रेलिया अपनी बी टीम बनाता है कितने सीनियर्स होते हैं, इंग्लैंड अपनी बी टीम बनाता है कितने सीनियर्स होते हैं। यहाँ मामला क्या है, हम सब एक बात कर रहे हैं, कमजोर कप्तान, ना तजर्बेकार हेड कोच, इनके होते हुए आपकी टीम जीत ही नहीं सकती। अगर आप सिर्फ, मैं शादाब की पहले बात करूं कि शादाब ने जो 5 में से 4 मैचेस हारे हैं, आपको पता है उन चारों में पहले बारी ली है। शाहिद साहब इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, और शाहिद साहब ये इंडिया से जो कंपैरिजन हो रहा है कि वो भी टीम बनाते हैं तो उसमें इतने सीनियर खिलाड़ी नहीं होते, इस पे आपकी क्या राय है? देखो, उन लोगों के सिस्टम को हमारे सिस्टम से कंपेयर मत करो। इंडिया, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ने 10 साल एक क्रिकेट ट्राई सीरीज खेली है जिसमें चार रोजा क्रिकेट भी थी, जिसमें वनडे भी थी, जिसमें T20 भी थी। इंडिया ऐसे ही बी टीम नहीं बना लेता उठा के, मैं बी टीम बना लूंगा और वो जाके जिम्बाब्वे में या बांग्लादेश में जीत जाती है। उनका बहुत अच्छा है, हमारे शोएब जिस तरह ही कह रहा है, हमारे कितने ए टूर हुए, हमारे कितने डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को परफॉर्म करने के लिए दूसरे मुल्क भेजा गया, हम कहाँ भेजते हैं जिम्बाब्वे, हम कहाँ भेजते हैं श्रीलंका, हम कहाँ भेजते हैं बांग्लादेश। तो इनसे प्लेयर ग्रूम नहीं होते, सिस्टम ग्रूम नहीं होता। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं अब्दुल रऊफ कि हमारे सिस्टम में खराबियां हैं। हम जब तक अपने डोमेस्टिक के परफॉर्मर को छोटे मुल्कों में भेज के उनको इंटरनेशनल क्रिकेट का थोड़ा सा एक्सपीरियंस ही देंगे, जब तक हम इस तरह नहीं कर सकते। इंडिविजुअल्स को सिंगल आउट नहीं करना चाहिए। अगर इसी टीम का कप्तान आप बाबर आजम को भी बना दें, इसी टीम का कप्तान आप बेन स्टोक्स को भी बना दें, तो वो 4 प्लेयर 5 प्लेयर जो नए हैं उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है। हमने देखा नर्वसनेस नजर आई। यार बहुत दिल टूटा, पिंडी के हीरो, PSL के हीरो जो है शारजा के अंदर सारे जीरो हो गया। कितना बड़ा दिल टूटा है, हम लाखों रुपए खर्च करके टिकट लेके जाए हैं 3 मैचों के लिए, और आगे समय क्या मिलता है कि अफगानिस्तान से हमें हार रहे हैं, और जो उसके फैंस हैं वो जितना हम पे हूट करते हैं, जितना हमको परेशान करते हैं, हमारे कसम से दिल टूटे हैं। देखिए, हम जैसे फैंस हम रो पड़ते हैं, हमारा दिल टूट जाता है जब अफगानिस्तान जैसी कमजोर तरीन टीम को हम दुनिया में पहली दफा T20 मैच जीतने का मौका देते हैं, फिर दूसरा भी आ जाते हैं। आप अपनी टीम लेके हैं, अफगान टीम तो कभी कमजोर नहीं रही है। मैं तो वही हैरान हूँ, शेम, पाकिस्तान कितना बड़ा ब्रांड है क्रिकेट का, कितना बड़ा नाम है पाकिस्तान का, और जीरो पे अफगानिस्तान के अगेंस्ट हम 2 खिलाड़ियों को आउट करके, तो क्या मैसेज दे रहे हैं हम कितना बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? इनको नहीं पता कि पिंडी की विकेट और यहाँ की विकेट कितना डिफरेंस है? अफगान फैन जो है उन्होंने मुझे खेल लिया और मेरे ऊपर हूट किया, मुझे परेशान किया, बाहर गाड़ियों के अंदर उन्होंने इस तरह नारा लगाया, अल्लाह माफ कर, इतना तो इंडिया जीत के भी पाकिस्तान से नारा नहीं लगाता। मतलब ये मैच तो इधर खत्म हो जाते, सोशल मीडिया पे एक नई जंग चढ़ जाती है और हमको बहुत परेशानी उधर होती है। ग्राउंड में तो हम चले जाते, चलो जो भी है रोल धोल के चले जाते, लेकिन फिर सोशल मीडिया पे जो ताने, जो गालियां, जो हमने सुननी पड़ती है, इसीलिए मैनेजमेंट को जिसने भी किया है अल्लाह उससे पूछे। एक रमजान है, ऊपर से बहुत मुश्किल है, उधर अफ्तारी का टाइम होता है, इधर से ग्राउंड में पहुंचो, इतना टाइम दे दो, सबको डिस्टर्ब किया है 3 मैचों ने और फिर भी हम टाइम दे रहे हैं। लेकिन किनारे पे खड़े हुए हम लोग के बस डूबने के बिल्कुल करीब हैं, और बाकी डूब चुके हैं हम लोग। साढ़े कुल यकीन होगा कि मुल्क महंगाई पिछया पे आटे ने बेड़ा गर्क करता साडा, और इतने तुम साडा बेड़ा गर्क करता, साढ़े तो रहम करो, अभी उतने भी लुटी के आए, उतु दौड़े कोई अच्छी हल्की बल्कि खुशियां इतने लागे, इतने भी साढ़े